Hey, hi friends, welcome in my new video and today I am here with CMA Yogita Chauhan and आज मेरे पास आप सबके लिए फिर से एक CMA success story है। योगिता का अभी recently campus placement में वेदांता में selection हुआ है दिल्ली campus से। So सुनते हैं योगिता की story। So पहले योगिता first of all आप बताओ आपको कैसी feeling हो रही है campus में job लेने के बाद। Hi sir, first of all thank you for having me here. Really grateful. And talking about campus, मुझे बहुत proud feel हो रहा है, अच्छा feel हो रहा है कि campus में selection हुआ, क्योंकि campus में सबको पता है selection होना थोड़ा tough रहता है, बहुत सारा criteria रहता है, तो सारे बच्चों के लिए possible नहीं हो पाता selection लेना वहाँ से. So definitely मेरे लिए बहुत proud moment है, और अपने parents को खुद की वजह से happy देखना तो उसका तो अलग ही खुशी है. So yes, I'm so happy. सो योगिता एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे है, लाइक द डे व्हिच ऑन व्हिच यू जॉइंड मी एंड द डे ऑन व्हिच यू सिलेक्टेड इन कैंपस, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मी? एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट. यू आर वेरी हम्बल एंड काम पर्सन. मतलब अगर कोई भी आपसे क्वेरी पूछ रहा है या कुछ भी है तो आप उतना कामली उसे आंसर करते हैं. द वे यू हैंडल द क्वेश्चंस एंड पर्सन्स डाउट रियली मतलब बहुत इम्प्रेसिव है. और ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता हम ये पूछें क्या करें. ऐसा होता था कि कोई भी मन में डाउट आ रहा है, या जैसे बहुत सारी चीज रहती है. दिल्ली कैंपस के लिए टाइम भी कम था, मार्च में रिजल्ट आया था एंड अप्रैल में सबसे पहले दिल्ली का ही हुआ था. तो ऐसे सीवी रिलेटेड या कोई भी डाउट है सो यू आर द फर्स्ट पर्सन जो मेरे माइंड में आते थे, चलो उनसे पूछते हैं. सो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हो पाया आपकी वजह से. कोई कंफ्यूजन्स नहीं रहते थे, आप हमेशा रेडी रहते थे अपना बेस्ट. एक एल्डर ब्रदर की तरह आपने हमेशा गाइड किया है. सो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा. एंड आपका जो कोर्स का प्राइस था वो भी इतना नॉमिनल था कि उतना सोचना नहीं पड़ रहा था. आई वॉज लाइक कि इतने कम प्राइस में इतना क्वालिटी कॉन्टेंट दे रहे हैं और इतना वन टू वन सपोर्ट, वो सब तो आई कॉन्ट डिस्क्राइब यू इन वर्ड्स की वो क्या हेल्प रही है. थैंक यू थैंक यू। बहुत सो अच्छा. योगिता स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो अबाउट योर स्कूलिंग लाइफ, कि आप स्कूलिंग में पढ़ने में बहुत किस लेवल पे थे, बहुत एक्सपर्ट लेवल पे थे या एक एवरेज स्टूडेंट थे, और किस तरीके से आपने फिर सीएमए स्टार्ट किया? यस. स्कूल का ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही एकेडमिक्स मेरे अच्छे रहे हैं, मुझे पढ़ना पसंद है शुरू से ही, मैं अच्छी रही हूँ पढ़ने में. एंड टेंथ में भी मेरे मेरे 10 CGPA आए थे. बट और 11th में ऐसा हुआ कि जैसे बच्चे साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सिलेक्शन करते हैं तो कॉमर्स मेरा हमेशा से ही डिसाइडेड था, मुझे कॉमर्स में ही करियर बनाना था, उसमें ही आगे जाना था. उसके कॉमर्स मुझे हमेशा से ही अट्रैक्ट किया है उसने कि हाँ इसी को लेना है, इसमें ही पढ़ाई करनी है आगे और इसमें ही कुछ करना है. सो मैंने इसीलिए कॉमर्स लिया था, साइंस का मेरे दिमाग में था ही नहीं. तो टीचर्स वर शॉक कि तुम्हें 10 CGPA आया 10th में, तुम कॉमर्स में क्यों हो. बट आई वॉज लाइक कि मेरा तो माइंड सेट था कि मुझे कॉमर्स ही लेना है. सो कोई कंफ्यूजन नहीं था उस रिगार्डिंग मेरे लिए. सो 11th किया, फिर 12th किया, 12th में भी अच्छे मार्क्स थे. देन एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां से बीकॉम चल रहा था. बट करियर का कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है एग्जैक्टली, आगे जाना कहाँ है. सीएमए के बारे में भी कुछ नहीं पता था उस टाइम पे. सो तभी फर्स्ट ईयर में नॉर्मल कॉलेज चला, वही रूटीन चल रहा था. सेकंड ईयर में ऐसा हुआ मुझे पता चला, वो भी जहाँ मैं रहती थी मेरे पीजी में एक लड़की थी, तो वो एक दिन आके बोली, हम लोग टेबल पे डिनर कर रहे थे तब, कि मेरे एक सर हैं, वो ट्यूशन जहाँ से लेती थी, कि मेरे एक सर हैं उन्होंने बोला है सीएमए करके एक कोर्स है तुम वो करो, इसका बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो वो मुझे क्लिक किया, वो तो वहां से चली गई. उसके बाद मेरे माइंड में ये रह गया कि ये क्या है, चलो इसके बारे में पता करते हैं. क्योंकि सोच तो मैं रही थी कि आगे करना क्या है, बट इट वॉज जस्ट कि आइडिया नहीं मिल पा रहा था, गाइडेंस नहीं थी. फैमिली में भी ऐसा सच कुछ नहीं थे कि कोई गाइड कर सके या ऐसा कोई नहीं था. तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया एंड मुझे पता चला कि अपना एक प्रोफेशनल कोर्स है और सब कुछ उसकी डिटेल्स मुझे पता चली. तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, बहुत सही लगा कि हाँ ये तो ऐसा ही कुछ कोर्स है जो मैं ढूंढ रही हूँ. सो इट वॉज लाइक कि हाँ ये जो मैं ढूंढ रही हूँ वो ये तो वही है. क्योंकि ये मुझे आई क्लियर था कि मैं अपनी ही सब्जेक्ट्स की स्टडी में को आगे ले जाना चाहती हूँ. जैसे जहाँ मैं रहती थी वहाँ बैंकिंग SSC इन सब की कोचिंग का बहुत था, मोस्टली वही सब करते थे. तो PG से जाते थे, निर्माण विहार में मैं रहती थी तो वहाँ ये सब करते थे. बट मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था ऐसे कि मैं
इन सब इसके जो रिगार्डिंग स्टडीज होती है उसमें मैं अपने ही कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में आगे कुछ करना चाहती थी, तो ये मुझे इसलिए बेस्ट लगा। और फिर मैंने इसको सब कुछ इसके बारे में जान के करना से स्टार्ट किया, फाउंडेशन दिया एंड देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल एंड देन फिर CMA बने। और डेफिनेटली बहुत अच्छा कोर्स है ये। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं और पूछना चाहता हूँ, आपके फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल सारे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, राइट? बट आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ? और आप एक बार अपने मार्क्स को भी हाईलाइट करना बच्चों को, जिससे जिनसे उनको मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं विद गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट ऑल्सो. हाँ बिल्कुल। मेरा स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग में बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि मैं स्टडीज में अच्छी रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बहुत सिंसियर रही हूँ हमेशा से। मैंने लाइटली नहीं लिया कि पढ़ाई है तो ऐसे ही कर लेंगे, अब कर लेंगे। तो जो पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुझे मिसिंग लगता है अदर स्टूडेंट्स का, जब मैं देखती हूँ कि वो बहुत लेट सोचना स्टार्ट करते हैं। अभी उनकी क्लासेस भी निकल गई हैं, रिवीजन का टाइम भी निकल गया, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तब वो सोचने बैठते हैं कि करें क्या, प्लानिंग कहाँ से करें, तब नहीं करना होता है स्टार्ट। आप जब जिस दिन क्लास में जा रहे हैं, फर्स्ट डे ही आपका क्लास है ना, वहीं से आपकी पढ़ाई एंड सब स्टार्ट होती है। अगर आप क्लास में फोकस्ड रह के अच्छे से पढ़ लेते हैं सारा, तो आपका काफी ज्यादा काम तो वहीं हो जाता है, आपका बर्डन ही नहीं रहेगा। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं फुली फोकस्ड होके क्लास करूँ, उस पर ध्यान दूँ, तभी वो रिटेन भी हो पाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यूजली क्लास करते हैं, एक सब्जेक्ट का सोचते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का, और फिर सोचते भी नहीं है शायद, पता नहीं क्या करते हैं क्लासेस के टाइम को, वो उतना शायद सीरियसली नहीं लेते। फिर डिले डिले करते करते जब एग्जाम सब आते हैं, तब वो टेंशन लेना स्टार्ट करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब सबसे पहले आप क्लास कर रहे हो, उसे सीरियसली पढ़ो, देन आप धीरे धीरे रिवाइज करते रहो। और एक और चीज है, रिवीजन को इकट्ठा कर लेते हैं, वो इकट्ठा करने के लिए होता ही नहीं। आप सारा इतना बड़ा सिलेबस कर लोगे और सोचोगे कि लास्ट के फ्यू डेज में रिवाइज कर लें, तो वो कैसे पॉसिबल है? फिर तो टेंशन ही होगा, टेंशन ही होगा फिर तो उससे। आप रेगुलरली रिविजन कीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा उनको देखते रहिए, फिर आपको एक तरीके से विजुअल मेमोरी में आने लगता है चीजें। आप तो फिर उसको हर बार रिवीजन करने में उतना टाइम भी नहीं लगता। एक बार क्लास में पढ़ाया जा रहा है तब ध्यान से पढ़ें, फिर घर आके होमवर्क भी कीजिए, उसे रिवाइज भी कीजिए, फिर उसके बाद जब अगली बार भी आप उसे, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद यू कीप रिवाइजिंग इट। आपको अपने सब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना होगा, जिससे कि वो आपको स्ट्रेस ना दें और अच्छे से आपका एग्जाम हो जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट में आज अभी क्या हो रहा है कि एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पास्ट एग्जाम पेपर किए और आप चले गए। अभी लास्ट ईयर के एग्जाम्स भी देखिए, चेंजेस हैं काफी, डिफिकल्टी लेवल भी हाई था। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना हो सके मैक्सिमम पॉसिबल कवर कीजिए, क्योंकि जो हमारे हाथ में है कम से कम हम वो तो करके जाएं। एग्जाम पेपर जैसा आएगा वो आएगा, बट हम पहले से ही जो हम पढ़ सकते थे वो भी छोड़ के जाएंगे, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। मेरा कहना है कि जितना आप मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज कर सकते हैं, जो आपको पढ़ाया सब जा रहा है, आप क्लासेस सारी ले रहे हैं, तो आप फिर छोड़ क्यों रहे हैं? तो कुछ एक इरेलीवेंट चीजें हो सकती हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही हैं बट उतना रेलिवेंट नहीं है, उनको छोड़ने का सोच सकते हैं, बट ट्राई टू कवर मैक्सिमम यू कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्कैनर्स कीजिए, स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs बहुत वाइड रोल प्ले करते हैं यहाँ, क्योंकि काफी मार्क्स के MCQ आए रहते हैं। तो जितने भी MCQs आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में, या फिर वर्कबुक में, या जहाँ भी आपको MCQs अवेलेबल है, मॉड्यूल से जहाँ कहीं से भी आप MCQs कर सकते हैं, उसको जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिगार्डिंग मार्क्स, हाँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए थे सारे, और मार्क्स अच्छे ही थे मेरे इंटरमीडिएट लेवल पे। सारे 8 पेपर, 8 पेपर्स हैं, तो 8 पेपर्स में एग्जामिशन है सब में, एंड फाइनल में 5 out of 8 एग्जामिशन है। यस, आपको थोड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ तो इजी होगा, आप खुद ही उसको टफ बना लेते हैं तो फिर टफ होगा। राइट, एंड प्लस एग्जेम्पशंस तो है, आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि योग्यता के 60% प्लस मार्क्स इंटर एज वेल एज फाइनल में भी है. तो कहीं ना कहीं यस, ये अराउंड सारी जो सेवेंटी परसेंट मार्क्स हैं।
सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना आपको हेल्प करती है एक अच्छे जॉब लेने में, राइट। सो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, जैसे योगिता ने बताया, अगर आप फर्स्ट डे से अगर आप प्लान हो चीजों को लेके कैसे करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग है आपके पास, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता। सो प्लानिंग आप अच्छे से करो, अच्छे फैकल्टी से क्लासेज लो, और अपने, जैसे योगिता ने बताया, रिवीजन को कंपाइल नहीं करना है। आप जो आज पढ़ते हो आप उसको आज रिवाइज कर लो, तो लास्ट टाइम में आपके पास इतना ज्यादा वर्डन भी नहीं होगा रिवीजन करने के लिए। सो ये सारी स्ट्रेटेजी थी रिगार्डिंग द एग्जाम। सो बात करते हैं योग्यता कैंपस की, तो कैंपस के लिए फिर आपने कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, सो आप थोड़ा सा कैंपस के बारे में भी आप अपना बताएं। सो कैंपस का ऐसा है कि एक दिन में तो ऐसा कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकता है ना। तो कैंपस के लिए भी जो आपने पढ़ाई की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वही है। अगर आप वो अच्छे से करेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, बेसिक्स तो पूछा ही जाएगा, क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए, फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज कि आप कॉन्फिडेंट रहें। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, तो आप जो सामने पर्सन है उसको कैसे इम्प्रेस करेंगे, वो कैसे आप पे यकीन करें। सो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं आपको। कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि बच्चे सुनते नहीं है ठीक से कोई भी है। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव लिसनर। पहले आप ध्यान से सुनिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देन कम्युनिकेट। सो एक्टिव लिसनिंग रखिए अपनी, एंड स्पीकिंग का भी इम्प्रूव कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड यस, ये सारी चीजें हैं जो, और कंपनी रिलेटेड जिस भी आप कंपनी में जाएंगे वो कंपनी रिलेटेड आपको पढ़ना रहेगा। सो मैंने भी ये किया था कि कैंपस के लिए अपना बेसिक्स क्लियर किया पहले। तो मतलब क्लियर तो पहले से था ही, इट्स जस्ट कि आपने को रिवाइज करना रहता है सारा एक साथ, क्योंकि इंटरमीडिएट का भी पूछा जा सकता है। इट्स नॉट दैट कि फाइनल लेवल का ही पूछेंगे। तो मैंने अपना इंटरमीडिएट से लेके फाइनल तक का, या जो भी पढ़ा था अपना सीएमए में, वो बेसिक सारे रिवाइज किए। एंड देन कंपनी रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन ली। क्योंकि और मैंने आपको अप्रोच किया था, तो आपने गाइड किया ही था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना रहेगा, या फिर बहुत सारी तो चीजें हैं ऐसी उसमें एक छोटी चीज और छोटी मैं जो। पूछना चाहता हूँ, लाइक जो मैंने आपको नोट्स सारे गाइड्स शेयर किए, तो वो सारे नोट्स काफी हेल्पफुल थे आपके इंटरव्यूज के लिए। यस डेफिनेटली, आपने हमें पीडीएफ शेयर की थी। सो पीडीएफ में देयर वर सम एचआर क्वेश्चंस, लाइक कि कुछ भी आपसे वो पूछते हैं, लाइक व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इस तरीके के कई क्वेश्चंस थे जिनको पढ़ के आइडिया लग रहा था कि कैसे आपको अपना आंसर देना है। हालांकि वो क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चंस मुझसे उतना नहीं पूछे गए थे, मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट फिर भी हम, वही मेरा के मानना है कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होके जाइए। ऐसा नहीं कि क्या पता नहीं आपको क्या पूछें, तो एचआर क्वेश्चंस भी करो, टेक्निकल भी करो। तो जो आपने पीडीएफ दिया था वो बहुत हेल्पफुल था, बहुत अच्छा कंपाइलेशन था सारे क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हम इधर सोर्स से देखें एक ही जगह पर, मतलब एक बहुत अच्छा हेल्प हो रहा था। एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। उस टाइम पे वैसे भी इतना कंफ्यूजन होता है कहाँ कहाँ से क्या देखेंगे, चाहिए रहता है कि एक जगह पे अच्छा सोर्स मिल जाए पढ़ने का, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी गाइडेंस तो थी ही डेफिनेटली। सर एक चीज और, एक मैंने आपको रॉक योर इंटरव्यू जो बुक दिया था लास्ट टाइम में इंटरव्यू से का थोड़ा थोड़ा टाइम पहले, तो वो बुक आपको कैसा लगा इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट करने में, वो काफी हेल्प किया आपको? डेफिनेटली आपकी बुक, आपके जितने भी पीडीएफ थे सब बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और जो आपका सपोर्ट था, 1-to-1, एवरीथिंग वाज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि पढ़ के आइडिया लग जा रहा था, मतलब हमारा एक ही सोर्स था। कुछ डाउट आ रहा है तो रोहन सर, कुछ पूछना है तो उनका, कुछ पढ़ना है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनका पीडीएफ। तो ऐसे करके हमें एक ही सोर्स पे सब कुछ जो चाहिए था मिल जा रहा था। तो उससे बहुत काम हो गई थी मैं तो, कि हाँ भाई, व्हाट्स फेयर व्हेन रोहन सर इज हियर वाला बात था। राइट। एंड इनफैक्ट तुम्हारे साथ जितने भी बच्चे थे सबका कैंपस हुआ, तो ये भी एक बहुत अच्छी, मतलब गुड ये न्यूज है। बहुत बहुत खुशी की बात है। यस डेफिनेटली। सो एक वन लास्ट क्वेश्चन, लाइक कि जब आप कैंपस में जाते हो तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग भी मल्टीपल कंपनीज में होती है, राइट? तो उस समय भी बच्चे थोड़ा सा नर्वस रहते हैं,
तो आपके साथ भी नर्वसनेस आया था, तो लाइक उस मोमेंट पे हम लाइक जो हम हमारे पास से जा रहे हैं हम उसके ऊपर ना सोच के जो हमारे पास आने वाला है उसके ऊपर हम कैसे डेडिकेट करें, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि एक चला गया यार उससे हो गया कि डिमोटिवेट हो गए, और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है आप उसको भी आपने छोड़ दिया, तो आपने कैसे टैकल किया इसको? यू आर आस्किंग कि बहुत सारी कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग थी और अगर एक में नहीं हो पाता है तो उसी के बाद बच्चे डिमोटिवेट हो हाँ, जाते हैं, राइट? डिमोटिवेट हो जाते हैं और दूसरे इंटरव्यू पे फोकस नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ वेल ऐसा तो नहीं हुआ था, मेरे साथ दूसरा केस हुआ था, मेरा अलग था। पहले मैं एक थोड़ा अपना बता दूंगी, फिर इस क्वेश्चन को मैं वापस एड्रेस करूंगी। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा ड्रीम था, स्टार्टिंग से ही मुझे पीएसयू में जाना था। मेरा सुबह मॉर्निंग में बीईएल में इंटरव्यू भी था एंड इट वेंट ऑसम। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, ऑनलाइन था तो मुझे उनका रिव्यू भी सुनने आ रहा था। मतलब मैंने सुन लिया था वो पीछे से क्या बोल रहे थे, टेबल पे वो बैठे हुए थे, तो मेरे को लग गया था पता कि हाँ हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई वॉज सो हैप्पी। बट जब मैं बाहर आई तो 65 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड थे, तो मैं इतना श्योर होके तो बैठ नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट पीएसयू है तो फिर उनका SC ST का भी क्राइटेरिया रहता है। सो आई वॉज नॉट इवन श्योर की वैकेंसी कितनी है, तो मुझे एक और कंपनी में तो एटलीस्ट जाना ही था। मैं उसके भरोसे, क्योंकि रिजल्ट उसका रात को आता, कितने सारे बच्चे थे, तो मैं खाली एक कंपनी के लिए बैठ नहीं सकती थी। इसलिए मैं वेदांता में गई, और मैं वहां गई तो विद इन हाफ एन आवर उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया था। इंटरव्यू वहां भी अच्छा हुआ था, तो मैं वेदांता में सेलेक्ट हो गई थी। तो आई वॉज लाइक मेरा तो वहां होना था, मैं तो यहाँ हो गई। थोड़े टाइम के लिए तो मैं खुश ही नहीं थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने थॉट्स को सेटल किया एंड मैंने अपने आप को समझाया, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। अदरवाइज मेरा शॉर्ट था, बेल में होना था, बट वही एक चांस तो ले नहीं था। उसके लिए धीरे मैंने भी धीरे तुम्हें कितना समझाया उस हाँ मैंने आपको ही सबसे पहले, घर वालों से पहले आपको ही कॉल गया था कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है एंड क्या करूँ मैं, मेरा तो वहाँ होना था। देन यू सेड कि कोई बात नहीं, अच्छा है, ये भी अच्छा है। फिर धीरे 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 मैंने अपने आप को काम डाउन किया एंड आई मैंने समझाया अपने आप को कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, जरूर यहाँ कुछ अच्छा होगा मेरे लिए। सो ये तो मेरा स्टोरी था। और रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, सो देखिए अगर आपका जितनी भी कंपनीज में शॉर्टलिस्टेड है तो सब में आपको नहीं पता आपका कहाँ सिलेक्शन होगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो कोई ऐसा रूल तो नहीं है। बच्चे कैसे हैं, क्या चल रहा है अभी कंपनी में, वैकेंसी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन कहाँ होगा। आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरा यही हो जाएगा मेरा यही हो जाएगा। आपकी रैंक ही क्यों ना हो, आप फिर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने ऐसा देखा, कुछ भी हो सकता है वहाँ, कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। सो यस, आपकी जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग है आप सबको अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। जैसे किसी बच्चे ने एक दिया एक जगह, वहां नहीं हुआ, इट्स ओके। अब जब दोबारा दूसरे में जा रहे हैं तो बिल्कुल एज अ फ्रेश, मतलब फ्रेश माइंड लेके अपना जाइए, पिछली कंपनी का बैगेज या कुछ थॉट्स लेकर नहीं, क्योंकि वहां तो नहीं ही हुआ, जो हो गया वो होना था वो हो गया। अभी आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, वहां भी डिमोटिवेट होके जाएंगे तो वो भी चला जाएगा। तो आप ये जो हो गया उसको भूलकर एकदम फ्रेश माइंड के साथ जाइए, एज इफ इट इज द फर्स्ट कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा आप एटीट्यूड लेके जाइए तो वो आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज तो दोनों जगह बिगड़ जाएगा, फिर तो कुछ नहीं बचेगा हाथ में। तो आप फिर और डिसअपॉइंट होंगे। तो ये है कि आप ये एटीट्यूड लेके जाइए कि ये पहली कंपनी इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसमें नहीं हुआ तो जिसमें जाएंगे ये पहली कंपनी जिसमें दे रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा, डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है। एक क्वेश्चन और, लाइक अगर ट्रेनिंग तो का मेरी है तो ऐसे, और अगर नहीं है तो यस। मैं ये पूछ रहा था कि ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है। लाइक आपने BHEL से आपने ट्रेनिंग किया, तो आप ट्रेनिंग के लिए क्या फीडबैक देना चाहते हो बच्चों को कि उन्हें ट्रेनिंग किस तरीके से करना चाहिए और कैंपस में वो कैसे हेल्प करता है? डेफिनेटली, तो ट्रेनिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है ही, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो सबको पता है पढ़ाई में, अभी तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस लोग ज्यादा लेते हैं तो लैपटॉप है और बुक्स हैं और आप रूम में बस पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ना ही रहता है बस, तो उतना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगे, आप कैसे देखेंगे कॉर्पोरेट एनवायरमेंट को, आपको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बिल्कुल अलग वर्ल्ड है वो, पढ़ाई एकदम अलग हो जाता है और वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एकदम अलग हो जाता है। और जब आप कैंपस में जाते हैं तो तब वहां भी जब आप अपना CV या रिज्यूमे देंगे तो आपको क्वेश्चंस वहां से जरूर पुट अप होंगे, जो भी आपने लिखे होंगे कि आपने क्या सीखा। आप ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि फर्म से ही करें या कंपनी से ही करें, बट आपको जहां भी मिलती है आप करें ट्रेनिंग और अच्छे से करें,
देखो इंस्टीट्यूट ने तो दोनों ही चॉइस दिया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं फर्म से करें या ट्रेनिंग से करें। अगर आपको एक पर्टिकुलर काम सीखना है जो एक फर्म में हो रहा है तो आप उस फर्म में जा सकते हैं, और अगर आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट चाहिए, आप चाहते नहीं मुझे तो कंपनी से ही करनी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं कर रही है फर्म से करना, बिकॉज फर्म में स्टाइपेंड कम रहता है एंड ट्रेनिंग अगर आप कंपनी से करेंगे तो आप अपने पढ़ाई को या खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, वह स्टाइपेंड ठीक होता है। तो आप चॉइस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने चॉइस दी है। जब इंस्टीट्यूट ने चॉइस दी है तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड, आप अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंस बहुत है, डमी लेना तो कोई सोचे भी ना, बिल्कुल भी ना, आप खुद ही फील करेंगे डिफरेंस क्या है कि आप ट्रेनिंग में करने जाते हैं तो आप एवरीडे कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने काम से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, आप देखते हैं लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बिहेवियर है, कैसे चीज ऑफिस कल्चर कैसा होता है, सो बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सोचने का तो कोई मतलब सोच भी नहीं आनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है कहना चाहूंगी। कैंपस में भी क्वेश्चंस पुट अप होंगे ही, और आप नहीं करेंगे तो आपको कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाए, काम सारे वही करने हैं जिससे कॉन्फिडेंस अप 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 ही जाए। ग्रेट सो यस योगिता। इम्पोर्टेंट सो होता योगिता लास्ट क्वेश्चन, अब आप छत्तीसगढ़ जा रहे है। हो, सो बेस्ट फॉर योर ट्रिप ऑल्सो, एंड आप वहाँ जाओ और अच्छे से नाम रोशन करो अपना, अपने घर वालों का और अपने सीएमए कम्युनिटी का भी। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि एट द एंड एक स्मॉल सजेशन आप बच्चों को कुछ देना चाहते हो कुछ अपनी जर्नी से, तो आप उसको आप एड ऑन कर सकते हो। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस एंड सजेशन है। अभी जो स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सजेशन है कि आप पूरी ऑनेस्टी से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप अपने आप से झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अभी आपको फिर से, आप बस किताब लेके बैठे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, आपको फिर से जब पढ़ना पड़ेगा ना आपको डबल पेन होगा, पढ़ना तो वही रहेगा, फिर आपको पीछे का बैगेज, आप देखेंगे फ्रेंड्स आगे निकल रहे हैं कुछ कुछ दोबारा में, मुझे ऐसा लगता है चीज करना और ज्यादा टफ हो जाता है। सो मेरा ये मानना है कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ना बाकी ना, गिव योर 100% टू इट। पढ़ाई से रिलेटेड ये है, और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ को प्लीज प्लीज प्रायोरिटाइज करें, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मुझे पर्सनली फाइनल में जब मैं थी एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज रहे, अदरवाइज मेरा ड्रीम था कि मैं बोथ ग्रुप्स अपियर करूं और मुझे रैंक आए, तो वो मैं नहीं कर पाई हेल्थ इश्यूज की वजह से, मैंने सिंगल सिंगल दिए ग्रुप। तो अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज करें, फिजिकल हेल्थ को, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, डू वट एवर इट टेक्स यू टू बी फिट, एंड रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ नेगेटिविटी को अवॉइड करें प्लीज, एंड फोकस्ड माइंड से पढ़ाई करें, सुपर पॉजिटिव होकर पूरी ऑनेस्टी के साथ। ये आपका टाइम जब दोबारा आएगा ना, जब आपको भगवान ना करे आपको दोबारा वो बुक पढ़नी पड़ गई तो आपको बहुत गिल्ट होगा और नेगेटिविटी बढ़ेगी ही, तो एक बार में ऐसा पढ़ो कि दोबारा देखना ही ना पड़े वो किताब, इस एटीट्यूड के साथ पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये था एग्जाम्स के लिए, और एक मैंने पहले भी बोला कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है कवर करने की कोशिश कीजिए अपना सिलेबस, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में है वो आप कीजिए, क्वेश्चन पेपर जैसा आएगा वो आएगा, आप खुद से ही आधी आधी चीजें पढ़ के जाएंगे और फिर अपने लक को ब्लेम करेंगे या किसी चीज को ब्लेम करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। एंड ये तो था स्टूडेंट्स के लिए, और एक एडवाइस मेरी रहेगी जरूर, जो कैंपस में अपियर करेंगे बच्चे वहीं फिर आगे जाके क्वालिफाई करेंगे, तो कैंपस के लिए भी मैंने बोला कि अपना बेसिक्स बहुत क्लियर रखना है फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस करना है, कोई भी चीज एक दिन में बिल्ड नहीं होती, आप पढ़ रहे हैं पढ़ाई कीजिए, साथ साथ धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, कीप इम्प्रूविंग डे बाय डे, अपना खुद पे काम कीजिए, वो बहुत जरूरी है। एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो अपने आप आएगा, नेचुरली आएगा, जब आप सारे काम अच्छे करेंगे, ऑनेस्टी से रहेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, सारे काम ही आप वो करेंगे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है तो वो होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड ए मेंटर लाइक रोहन शर्मा सर, हु इज रेडी टू हेल्प यू इन बेस्ट पॉसिबल वे एट ईच लेवल, जब भी अप्रोच करो बेस्ट पॉसिबल वे में एल्डर ब्रदर की तरह हमेशा गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। सो आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स हैं, क्या होगा कैसे होगा, वो सब आप इनको सौंप दीजिए, आप अपना काम कीजिए, एंड सब कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट गॉड, एंड लास्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट यस ग्रेट, थैंक यू योगिता, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट, बाय।